नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और अब बात कोरोना की। जी हां, इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का कहर कहीं है तो वो है देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का पीक देखने को मिल सकता है। जब अभी कोरोना के केस 27,000 के पार हो गए हैं तो आने वाले दिनों में दिल्ली का क्या हाल होने वाला है। दिल्ली में कोरोना की दहशत का ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर को अब भी जो हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। जनवरी के शुरुआती 11 दिनों में कोरोना से इतने मरीजों की मौत हो चुकी है कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। 12 दिन में दिल्ली में कोरोना से 133 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई, यानी पिछले 4 दिनों में रोजाना औसतन करीब 25 लोगों की मौत हुई। आईटीओ पर दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान के इंचार्ज का कहना है कि वो अब कोविड बॉडी को नहीं दफना रहे हैं क्योंकि अब कब्रिस्तान में जगह नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए तो अब जनवरी के 11 दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो 93 तक पहुंच गया, यानी हर रोज तकरीबन 20 लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि आईटीओ स्थित दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में इस वक्त जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं उन शवों के लिए जिनकी मौत कोविड से हुई है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब कोविड शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है, लिहाजा वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई नई जगह दी जाए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 27,561 नए केस आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 26.22% पहुंची। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 87,445। कोरोना का यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली इस वक्त कैसे महामारी के भयंकर संकट से जूझ रही है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अब तो आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की पीक इसी हफ्ते आ सकती है। अब सवाल है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर होगा उस दिन दिल्ली में कोरोना के कितने केसेस होंगे और पॉजिटिविटी रेट क्या हो, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना जब पीक पर था तो 20 अप्रैल 2021 को दिल्ली में एक दिन में 28,395 केस आए थे, जबकि 22 अप्रैल को दिल्ली में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% के उच्चतम स्तर पर था। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। अभी सिर्फ अनुमान है कि दिल्ली में जल्द ही कोरोना का पीक आएगा और उसके बाद केसेस घटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोरोना ने दिल्ली को फिर सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर कोरोना का पीक आता है तो क्या दिल्ली इससे भी ज्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करें। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में जो खास बात सामने आई वो ये कि दिल्ली के LNJP में भर्ती होने वाले मरीजों में 80% फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यानी 20% ऐसे मरीज हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनके लक्षण हल्के हैं। जब अप्रैल में वेव आई थी
उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे, लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम है, तो पूरे दिल्ली में आज जो 2,500 के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। इसके अलावा घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर इंटरनेट योगा क्लासेस के अलावा मेडिकल किट की भी होम डिलीवरी करा रही है। देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार उन तक किस तरह राहत पहुंचा रही है, इसके लिए हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली की एक डिस्पेंसरी के भीतर और यहाँ पर मेरे आसपास आपको ये दवाइयाँ नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ एक कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। डॉक्टर नमिता बताइए कि एक किट में आप क्या क्या कोरोना मरीज तक सामान पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं? ये पैरासीटामोल टैबलेट है 500 mg का, इसकी एक किट देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जुकाम के लिए सेट्रजिन टैबलेट सेट्रजिन है और विटामिन सी ये प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को और मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन भी दिया जाता है और जरूरत पड़े तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसका लेवल उन्हें बता दिया जाता है, चेक करके हमारे जो सीडी भी जाते हैं वो बता देते हैं कि कब उनका लो होता है तो उन्हें कॉल करना है 102 पे या हमें संपर्क करें। ये पाउडर किस तरह का है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, क्योंकि मास्क तो आप दे ही रहे हैं? मास्क भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को और ये ग्लोव्स है, ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है जो पेशेंट को ये मास्क सैनिटाइज करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। 10 लीटर पानी में उसको 2 चम्मच डाल के उसमें ये मास्क को चेंज करना होता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब चरम पर पहुंच रही है, ऐसे में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और सबसे बड़ी बात कि अगर ओमिक्रॉन वाली इस लहर में कोरोना हो भी जाए तो उसे नॉर्मल फ्लू समझने की गलती ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के अस्पताल कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं, पुलिस वालों में कोरोना हो रहा है, दफ्तरों में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि क्या बूस्टर डोज से कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। दिल्ली में फ्रंट वॉरियर को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अब WHO ने बूस्टर डोज पर नया एंगल दिया है। WHO के एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि पुरानी वैक्सीन की एक और डोज लगा देना बूस्टर डोज नहीं है, बल्कि नए वेरियंट के लिए वैक्सीन में बदलाव करके बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। दिल्ली में जिधर जाओ कोरोना वायरस से आपका सामना हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि दिल्ली के कोने कोने में कोरोना वायरस घूम रहा है, और अब सुनिए, दिल्ली के अस्पताल ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं, यानी इलाज करवाने वाले भी अब सावधान हो जाएं। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। सुपर स्प्रेडर से मतलब है कि तेजी से कोरोना फैलाने वाला। ऐसा देखा जा रहा है कि इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो किसी और बीमारी के इलाज के लिए आए थे। दिल्ली के LNJP में 11 जनवरी तक भर्ती 95% मरीज अस्पताल आने पर कोरोना संक्रमित हुए हैं। और तो और, रेजिडेंट डॉक्टर्स नर्सेस के साथ अस्पताल के स्टाफ भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इस वक्त एम्स के करीब 550 स्टाफ, लेडी होर्डिंग में 200, RML में करीब 150, सफदरजंग में 200, बाबा साहिब अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ के करीब 100 लोग कोरोना संक्रमित हैं। LNJP में 75 डॉक्टर समेत 60 स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में डॉक्टर्स रिस्क अलाउंस की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। 75 स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स एंड 60 नर्सेज, 15 टेक्नीशियंस आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का तांडव इस तरह से देखिए, पिछले 12 दिनों में 1,700 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी भी आने वाली है जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात रहना होगा। ऐसे में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। बूस्टर डोज लेने के बाद स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से आज तक ने बातचीत की। दीपेंद्र सर, अभी अभी आपने बूस्टर डोज लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, बेहतर। ये जो स्पेशल ड्राइव चलाई गई है पुलिस कर्मियों के लिए कितने फायदेमंद होगी कि 1700 पुलिस कर्मी अभी पॉजिटिव हुए हैं? नहीं, दिल्ली पुलिस का अपने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने की कवायद हमेशा से रहती है और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली पुलिस के वेलफेयर यूनिट ने किया है। दिल्ली पुलिस के जो 1700 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। जी, पहली तारीख से और अब तक करीब हमारे 1700 लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, लेकिन सारे के सारे डबल वैक्सीनेटेड हैं, इस कारण उनके सिम्टम्स भी माइल्ड हैं और सभी लोग घरों पे ही अपने रिकवर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने अपना एक सिस्टम सेटअप किया है, हर एक की हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में पार्टी प्रवक्ता के अलावा ऑफिस में काम करने वाले कई कैंटीन कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमित भरद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। भारत में पिछले 24 घंटे में 2 लाख के पास कोरोना केस आए हैं। पिछले 7 दिन में भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना केस बढ़े हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया में कोरोना से होने वाली हर 11 मौतों में से 1 मौत भारत में हो रही है और मौतों के मामले में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है। चुनावी रैलियों ने तो अपना काम कर दिया है, अब ऐसा लगता है कि मेलों और दूसरे आयोजनों की बारी है। गंगा सागर मेला और माघ मेला सहित तमाम आयोजन अलग अलग राज्यों में अपने ट्रैक पर हैं। ऐसे में इन्हें कोरोना का सुपर स्प्रेडर आयोजन बनने से रोकना सरकारों के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। राजस्थान के पाली में कोरोना का बैंड बज रहा है। जी हाँ, कोरोना से आम जनता को जागरूक करने के लिए ये कोरोना बैंड बजाया जा रहा है। राजस्थान के पाली में पुलिस वाले और सरकारी अफसर लोगों को समझा समझा कर हार गए तो पाली की बैंड पार्टी ने लोगों को जागरूक करने का ये अभियान चलाया है। बैंड बाजे के साथ गीत गाते ये लोग कोरोना पर संदेश दे रहे हैं। और इस तरह के संदेश बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के जितने केस आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। पिछले 11 दिनों में देश के कोरोना के डेली केस में 600% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी को 27,553, 4 जनवरी को 58,097, 6 जनवरी को 117,100, 8 जनवरी को 159,632 और 11 जनवरी को 193,007 केस आए। देश में एक्टिव केस में भी 132,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। उधर देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों मौजूदा वेरिएंट को खत्म कर रही है। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी,
उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विजावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90-95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना लहर के दौरान 8 राज्य परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात है। इनमें सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। इसके बाद दिल्ली में 23.1% और महाराष्ट्र में यह दर 22.39% है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। पिछले 7 दिनों में कई सरकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 60,000 के करीब कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में लगभग 21,100 नए कोरोना मामले सामने नजर आए और इस बीच हम देख रहे हैं कि गंगा सागर मेला जाने के लिए बहुत लोग यहाँ पे लाइन में वेट कर रहे हैं अपना वैक्सीन लेने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही चुनावी रैलियों का असर, जिन पर फिलहाल चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। आज यूपी में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,681 नए कोरोना केस आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,181 नए केस आए हैं, जबकि नोएडा में कोरोना के 1,992 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की केस स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में हैं। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे। देश के बंटवारे की पीड़ा इन दो भाइयों से बेहतर कौन जान सकता है। जब देश का बंटवारा हुआ था तो दोनों मासूम बच्चे रहे होंगे, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर ने 74 साल बाद दो बिछड़े भाइयों को मिला दिया। किसी फिल्म की कहानी की तरह लॉस्ट एंड फाउंड की सच्ची तस्वीरें। करतारपुर साहिब के आंगन में मोहम्मद सिद्दीकी अपने बड़े भाई हबीब से मिले, दिल मिले, आंसू छलके और पुरानी यादों ने घेर लिया। नजारा बेहद ही इमोशनल था। कोई नहीं, आ जाए भी तुम आना, अच्छे हो गए।